पन्ना के सिद्धनाथ तीर्थस्थल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यह पहली बारिश में बना पुल और मार्ग ध्वस्त हो गया है। आपको बता दें कि निर्माण एजेंसी के द्वारा गुणवत्ताहीन और भ्रष्टाचार कार्य करने के कारण आज यहां पर आवागमन अवरुद्ध बना हुआ है, जिससे कोई भी व्यक्ति फोर व्हीलर वाहन या टू व्हीलर वाहन इस रास्ते से निकल नहीं सकते हैं। यदि निकलते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दुर्घटना का डर बना रहता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर खुजराहो के सांसद ने भी पत्र लिखा है और निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं क्षेत्रीय लोगों में भी काफी आक्रोश की भावना व्याप्त है। आगे देखना यह है कि शासन प्रशासन के द्वारा निर्माण एजेंसी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि यह जो स्थल है सिद्धनाथ तीर्थधाम, यह महर्षि अगस्त्य के आश्रम तक जाने वाला मार्ग है, जो कि पूर्णतः अवरुद्ध हो गया है। आइए सुनते हैं का कुछ कहना है स्थानीय लोगों की जुबानी, सिद्धनाथ तीर्थ स्थल मार्ग व पुल ध्वस्त होने की पूरी कहानी। टूट गया, नदी के बाढ़ से टूट गया। कितना टूट गया? बहुत टूट गया। जैसे चार पहिया वाहन और चार पहिया तो यहाँ मुश्किल से नहीं निकल सकती है, उस पार नहीं जा सकती। टूटने का और क्या कारण हो सकता है? टूटने का कारण क्या हो सकता है, जब रही अगर कोई मान लो चार पहिया निकालता भी है तो खतरा भी हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि खराब काम हुआ था इसलिए टूट गया जल्दी? खराब ही तो काम हुआ है, जब तो टूट गया, अगर मजबूती होता तो काम। आप शासन से क्या मांग करते? शासन से भी यही मांग है कि हमारे पुल टूट गया तो पुल का मान लो कायदे के मान लो पुल बनना चाहिए। आपका क्या नाम? हमारा नाम मुनीलाल है। निवासी? बिल्हा। ये कौन सा स्थान? सिद्धनाथ। सिद्धनाथ आश्रम? आश्रम। क्षतिग्रस्त सिद्धनाथ मार्ग के विषय में क्या कहेंगे? जो सिद्धनाथ मंदिर है वो रामपद गमन मार्ग में आता है और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हम लोगों ने सभी ने वहाँ के क्षेत्रवासियों की मांग के कारण और माननीय सांसद जी ने वहाँ पे राशि जारी कराई थी और जो सोशल मीडिया के माध्यम से उस रोड की क्षति, पहली ही बारिश में रोड के चीथड़े उड़ गए ऐसे, और माननीय सांसद जी के भी संज्ञान में है मामला। सांसद जी ने माननीय कलेक्टर महोदय को पत्र लिखकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की है और मैं भी आश्वासन देता हूं कि निश्चित तौर पर जो वहां के सब इंजीनियर और ठेकेदार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।